हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ पालक की पूरी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्थी होती है। इसके लिए पालक को मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है और अब इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको मैं एक पतीले में पकाने के लिए रख दूंगी। मैंने आधा गिलास पानी डाला है और अब इसको पकने के लिए रख दूंगी। इसको पकने के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम चाहिए। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। मैंने स्वाद के अनुसार इसमें 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच मैंने मिर्च डाल ली है। अपन टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। नमक मिर्च का टेस्ट अच्छा हो तो ही अच्छा, अगर ज़्यादा डालें तो ही अच्छा आता है। और इसमें मैंने ठंडा किया हुआ पालक डालकर अच्छे से भून लिया है। अगर आपको पानी जो लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed for my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. अब मैं इसकी पूरी बनाऊंगी। छोटी लोहिया लेके मैंने इसकी पूरी बना दी है। सारी पूरी बेल कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैं सारी पूरियाँ अच्छे से बेल ली है। अब इसको मैं लूँगी। मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हाई मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और एक पूरियाँ डाल के इसको अच्छे से तलूंगी। ये देखो, पूरी डालते कैसे पक्की होकर आ चुकी है। अब इसको मैं पलटूंगी। पलटने के बाद दिखाती हूँ आपको कैसे बन। ये देखो, कैसे पूरी बनके बिल्कुल फुली फुली पूरी बनी है, तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैं सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। ये देखो, मैंने सारी पूरियाँ तैयार कर ली है। सारी पूरियाँ ही ऐसे फुली फुली बनी हुई है। आप इन पूरियों को रायते के साथ, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.